हेलो यूट्यूब फैमिली, आज हम टेपिंग का पार्ट टू बना रहे हैं। पहले मैंने पार्ट वन में आपको बताया था कि जिस डॉग के कान फ्लाई कर रहे हैं उसमें हमने टेपिंग कैसे करनी है। पार्ट टू में अपोजिट कर रहे हैं हम, जो जिसके ईयर स्टैंड नहीं कर रहे। जर्मन शेफर्ड में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लोग डॉग लेके आते हैं और कानों की वजह से उसकी तरह की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो आज मैं जो टेपिंग मेथड बता रहा हूँ, इससे क्या है कि आपके जर्मन शेफर्ड के कान बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। ये मेथड आप अकीटा में भी यूज कर सकते हो जिसके नहीं हो रहे, और चाओ चाओ है, जो भी ब्रीड जैसी हैं जिनके कान खड़े होने चाहिए और खड़े हो नहीं रहे, उसके लिए स्पोर्ट देनी होती है। तो इसके लिए दोस्तों हम कान को ये आइसक्रीम स्टिक यूज करनी पड़ती है, जो नॉर्मली हम आइसक्रीम खाते हैं उसके अंदर से ये निकलती है स्टिक। ये अलग से बुक शॉप पे भी मिल जाती है। तो आपने ये आइसक्रीम स्टिक लेनी है, और ये डायनाप्लास्ट, फ्लिंगोप्लास्ट, ये कई तरह के आते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, ये आप ले सकते हो वहां से। इसको बनाने का तरीका बताता हूँ मैं, स्पोर्ट कैसे बनाते होते हैं। मैं थोड़ा क्लोजर करके दिखाऊंगा। ये मैं डायनाप्लास्ट को काट रहा हूं उसके साइज का। हमने पहले इसका ना साइज मापना है। दिखाओ बेटा, देखो इधर इधर आके दिखाओ। इसमें दो पार्ट होते हैं, इस जो ग्रूव होता है ये वाला जो पार्ट है इसको फ्रॉग बोलते हैं। हमने यहां से मापना है, फ्रॉग से इसकी लेंथ माप लेनी है हमने, कितनी है। जैसे यहां तक हमने माप ली, इसको हम सीजर से कट कर देंगे। ये साइज का बन गया। फिर हमने इसके साइज की वो काटनी है डायनाप्लास्ट। अब इस आगे का प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हमने डायनाप्लास्ट का ये रैपर उतारा और इसको बीचों बीच लगा देना है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, ठीक है। ये बीचों बीच लगा दिया। अब दूसरी जो डायनाप्लास्ट है उसकी स्टिकी साइड ऊपर की तरफ रखनी है हमने, और इस पर लगा देना है। ये अब हमारा इस टाइप का कुछ सिस्टम बन जाएगा जिसमें कि ये स्टिकी साइड हमारी ये रह जाएगी ऊपर की तरफ। अब इसका हमने रैपर उतारना है और डॉग को अच्छी तरह होल्ड करके इसके फ्रॉग पे इसको सेट कर देना है। यहाँ रखना है और इसके ऊपर सेट कर देना है। अब कुछ शरारती डॉग होते हैं जो इसको बार बार उतार देते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने इसका रैप अराउंड कर देना है, चारों तरफ से इसको रैपिंग कर देनी है। इसमें पहले वाली इंस्ट्रक्शन है, इसको इतना कस के नहीं डालना कि अंदर का खून का दौरा बंद हो जाए, इसकी ब्लड सर्कुलेशन चलती रहनी चाहिए। एक तो ये मेथड है। इसको अब इसमें भी दो टाइप के केसेस हैं। एक तो है कि सिर्फ टिप गिरी हुई है डॉग के कान की, टिप के लिए ये भी यूज कर सकते हैं। अगर पूरा कान गिरा हुआ है तो इसको अंदर से भी ले सकते हैं, वो मैं दूसरा उस दूसरे कान में दिखाता हूँ। बेटा इसमें आके देखो, इसके अंदर से अंदर तक का लेना है हमने, अंदर तक का पार्ट लिया और ये हमने माप ली है वाली। इतना इसको ब्रेक कर देते हैं। ये हमने काट लिए, एक और काटेंगे इसी साइज की। हम ये डायनाप्लास्ट सबसे अच्छी रहती है इस मामले में, ये इसमें फंगस नहीं होती। मतलब जो हम दूसरी टेप यूज करते हैं तो उसमें कई बार फंगस हो जाती है डॉग के अंदर। ये हमने बिल्कुल सेंटर में लगा लिया इसको, एक इसके ऊपर लगा देंगे। इसकी भी स्टिकी साइड हमने ऊपर की तरफ रख रखी है। अब इसको कानों के अंदर से डालेंगे, बिल्कुल अंदर। ये हमने डाल दी बिल्कुल अंदर और ये कर दिया इसको ऊपर। ये जब डॉग के कान बिल्कुल गिरे हुए हैं उसमें ये वाला मेथड यूज करना है, जिसकी सिर्फ टिप गिरी हुई है उसमें यहाँ पे फ्रॉग पे टिकाना है इसको। अब इसको जो सा ये ऊपर का पार्ट है इसको थोड़ा सा रैप कर देंगे इसके ऊपर, जैसे रैपिंग होगी। अब इसके
रैप अराउंड करनी है एक हमने टेप। ये टेप ली हमने, इसको रैप अराउंड चारों तरफ से इसको घुमा देना है और वही ख्याल रखना है इसका ब्लड सर्कुलेशन चलती रहना चाहिए। इसमें दोस्तों दो दिन तक हमने टेपिंग करनी है और एक दिन खुला छोड़ना है कान। अगर हम रेगुलरली टेपिंग करते रहेंगे तो इसके अंदर फंगस हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक दिन जब हम खुला छोड़ेंगे तो इस पर नियोस्पोरिन पाउडर लगाना है ताकि जो हल्का फुल्का इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए। और इसको उतारते टाइम एक और ध्यान रखना है, जब हमने टेपिंग उतारनी है पहली बार तो शरारती कुत्ते अपने आप ही काट लेते हैं। अगर हमें उतारनी है तो इसकी टेप उतारने का तरीका होता है जिस डायरेक्शन में बाल आ रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में उतारनी होती है। अगर अपोजिट साइड में करोगे तो वो बाल कट जाते हैं डॉग के। अब जैसे ये वाली टेप है, बेटा दिखा दो, ये जो उतारने में छा देते हैं। अगर मैं इस टेप को, मतलब ये बालों की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, अगर मैं इसको यहाँ से उतारने की कोशिश करूँगा टेप को तो इसके बाल उतर जाएंगे। तो इसको मैं क्या करूँगा, अपोजिट साइड से जिस डायरेक्शन से बाल आ रहे हैं उसी डायरेक्शन से उतारूंगा तो बाल कम कटेंगे इसके। अगर मैं अपोजिट साइड से करता तो ये बिल्कुल ही गंजा हो जाना था यहाँ से, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। तो ऐसे ही इसको कॉन्टिन्यूसली करना पड़ता है, मतलब महीना डेढ़ महीने का प्रोसेस है, उसके बाद ये कान बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो नए व्यूअर्स हैं उसने मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में बोलो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। थैंक्स फॉर